आज हम पासपोर्ट सर्विस के बारे में जानेंगे। पासपोर्ट हमारी ऐसी महत्वपूर्ण सर्विस है जो हम जिसके माध्यम से हमें अगर किसी को भी विदेश जाना होता है तो उसे पासपोर्ट की नीड होती है। ये नीड आप एज अ वियली पूरी कर सकते हैं लोगों का पासपोर्ट बना के। बस जरूरत है आपको पासपोर्ट के बारे में अपने यहाँ ब्रांडिंग करने की, ताकि लोग जान सकें, समझ सकें कि हाँ आपके यहाँ ये सर्विस मिलती है। अगर आप ब्रांडिंग ही नहीं करेंगे, आप लोगों को अवेयर ही नहीं करेंगे कि ये सर्विस आपके पास भी है, तो आप लोग आप तक कैसे पहुंच बनाएंगे और उन्हें कैसे ये सर्विस मिल पाएगी। पासपोर्ट हमारे वियली भाई कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। पासपोर्ट सर्विस के लिए आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्विस ऊपर सर्विसेज में आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप पासपोर्ट्स लिख के सर्च करेंगे। पासपोर्ट लिख के सर्च करते हैं तो पेज आपको रिडायरेक्ट करके आपके पासपोर्ट वाले पोर्टल पे ले जाता है। तो यहाँ पर पासपोर्ट सर्च करेंगे, सर्विसेज में पासपोर्ट सर्विस, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका आरटीओ सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हो, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आप यहाँ पे कोई भी आरटीओ सेलेक्ट करके गो टू पासपोर्ट सेवा पर जाएंगे, पेज रिडायरेक्ट होगा और आपको ये ऐसी वेबसाइट दिखाएगा जैसे कि जस्ट लाइक आप अगर नॉर्मल भी यूजर आईडी पासवर्ड बना के करते हैं तो इस तरह का ही पेज आता है। तो ये पासपोर्ट का पेज है, पासपोर्ट वेबसाइट का पेज है। यहाँ पर जाकर आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और जीपी, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशंस, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन में आपको वो एप्लीकेशन दिखेंगे जिसमें आपने एप्लीकेशन डाले होंगे पासपोर्ट के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट में आप नया पासपोर्ट अप्लाई या रीइश्यू कर सकते हैं। ये पुलिस क्लियरेंस के लिए है, ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और जीपी के लिए है। ये सारे आपके ऑप्शन हैं। ये वीएलई सर्विस रिपोर्ट है। वीएलई सर्विस रिपोर्ट में आप जितने पासपोर्ट आपने बनाए हैं उसको आप डेट सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। 6 मंथ के पासपोर्ट आपने जो भी बनाए हैं वो आप डेट सेलेक्ट करके हेलो, उसको सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कब कब आपने पासपोर्ट बनाए हैं, किसके किसके नाम से, वो आप डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए, हम न्यू अप्लाई पासपोर्ट करने जा रहे हैं इसलिए हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किस तरीके के पासपोर्ट को बना रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू पासपोर्ट, तो जैसे फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल है या तत्काल है, नॉर्मल और तत्काल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपका जो पासपोर्ट अप्लाई होके शेड्यूल मिलने का टाइम है वो रहता है, बाकी शेड्यूल वहां पर आपके अपॉइंटमेंट का जो भी टाइम होगा वो वहां उस अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होगा। वो आप ऐसा नहीं है कि तत्काल है तो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट आपको वहां के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पासपोर्ट बुकलेट आपको कितने पेजेस की चाहिए, 36 पेजेस या 60 पेज, इसके हिसाब से आपके अमाउंट भी लगता है, इसका चार्जेस अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर आप 60 पेज लेते हैं या 36 पेज लेते हैं तो उनका चार्जेस क्या होता है ये अभी हम आगे बताते हैं आपसे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की सारी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे एप्लीकेंट का नाम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी एप्लीकेंट की डिटेल होगी वो इस तरह से आप फिल करते जाएंगे। आप इस तरीके से जब डिटेल एप्लीकेंट की फिल करेंगे तो आपको ये डिटेल्स आएंगे फिल करने के लिए। जैसे एप्लीकेंट डिटेल में तो आपने नाम डीओबी और उसकी जो भी डिटेल्स रहेंगी, पर्सन डिटेल वो रहेगी। फिर फैमिली डिटेल रहेगी, फैमिली डिटेल में उनके फादर का नाम, मदर का नाम, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में उनका जो भी एड्रेस होगा वो आपको फिल करना होगा ताकि पुलिस वेरिफिकेशन हो सके। फिर
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर देना होगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन के लिए रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन पेज बाई पेज आएगा। इसको आप पहले एक बार सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं, और जब फाइनल करने से पहले एक बार आप इसे रीचेक कर लें, रीचेक करके तब इस पासपोर्ट फॉर्म को सबमिट करें। ध्यान रहे इसमें किसी भी तरीके की अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो पेमेंट के बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको दोबारा ही अप्लाई करना होगा। इसलिए आप पेज को सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं, और लास्ट में जब आप उसको सबमिट करना चाहते हैं तो एक बार ये पूरा फॉर्म रीचेक कर लें, क्योंकि कोई भी गलती हो जाएगी तो एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। इस तरीके से आप पासपोर्ट फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक एआरएन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ये जो एआरएन नंबर होता है, आपको मान लें आप काफ़ी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और आपका एआरएन नंबर यहाँ पे 5 ही दिखाता है, 5 या 6 ही फ्लैश होता है, और आपकी एआरएन ज़्यादा है, तो आप इन एआरएन नंबर को सर्च एआरएन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं कि आप भी या किसी भी एआरएन का अपॉइंटमेंट लेना है या रीअपॉइंटमेंट लेना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सर्च करके भी अपने एआरएन को सर्च कर सकते हैं। अब किसी भी एआरएन को आपको अपॉइंटमेंट लेना, यहाँ पर आप एआरएन सेलेक्ट किया, उसके बाद आप उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से 100 रुपीज ही कटते हैं इसके, लेकिन आपका सीएसआई जो पासपोर्ट सर्विस की फीस होती है वो होती है आपकी 1500 रुपए, जो आपको नेट बैंकिंग के या ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं लगती है। तो इसके लिए पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, और उसके बाद जो भी आप डेट कंज्यूमर बोलते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग उसको आप अपॉइंटमेंट शेयर करेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट को पूरा फॉर्म लेके प्रिंट करके आप उन्हें शेयर कर देंगे, क्योंकि और उन्हें बता देंगे कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें वहाँ पर ओरिजिनल और फोटो कॉपी लेकर जाना है। अगर वो डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी करते हैं तो वहाँ पर वेरिफिकेशन उनका क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पासपोर्ट सर्विस की रजिस्ट्रेशन फीस हमारी डिजिटल सेवा से जो आपको फ्लैश होती है वो 100 रुपीज है, जिसमें आपका 43.64 पैसा आपके वॉलेट से कटता है और 56.36 ये आपका कमीशन होता है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका सीएससी पोर्टल से 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन दिखाता है, जिसे जो आप कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी आपका 43.64 पैसा वॉलेट डिडक्शन होता है और 56.36 पैसा वीएलडी शेयर यानी आपका शेयर होता है। इसके अलावा आप सर जो पासपोर्ट की फीस होती है वो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पासपोर्ट की जो फीस है 36 पेज की आपकी पासपोर्ट की फीस होती है 1500 रुपए, और तत्काल की जो फीस होती है वो 2000 रुपए होती है। 60 पेजेस की 2000 रुपए होती है, और तत्काल की भी 60 पेजेस की 2000 होती है। फ्रेश री इशू पासपोर्ट की 36 की 1000 रुपए होती है, जो कि माइनर का करते हैं, और अगर तत्काल होता है तो आपका 2000। ये इस तरीके से आपका कमीशन सर्विस चार्ज का स्ट्रक्चर है। आप लोगों की तरफ से जो क्वेरीज आती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पासपोर्ट, क्या डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है अगर पासपोर्ट डैमेज हो गया है या खो गया है, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है, ये री इशू में जाके आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। डू आई नीड टू प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपीज और एग्जैक्ट टू बी इनफ? आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो फोटो कॉपी ही रिक्वायर्ड होती है या आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है? बिल्कुल, आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर, अपॉइंटमेंट के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना मैंडेटरी है। आपको फोटो कॉपी, अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेके जाना होगा जो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा।
हाउ कैन आई गेट रिफंड माई पेमेंट? क्या पासपोर्ट में किया गया पेमेंट आप रिफंड पा सकते हैं? अगर 1500 रुपए आपने पेमेंट कर दिया है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है, तो वो पेमेंट रिफंड नहीं हो सकता है। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है तो आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो पेमेंट रिफंड नहीं होगा। व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ पासपोर्ट सर्विस थ्रू सीएससी? सीएससी से पासपोर्ट सर्विस अप्लाई करने का चार्जेस क्या है? पासपोर्ट से सीएससी से पासपोर्ट अप्लाई करने का चार्जेस 100 रुपीज है, जो आप कंज्यूमर से ले सकते हैं। और एक्चुअल पासपोर्ट फीस जो होती है वो नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, जो कि 1500 रुपीज होती है, या जो भी जैसा भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। इन केस पेमेंट इज डिडक्टेड एंड रिडायरेक्टेड टू सेम पेज होम पेज, प्लीज। अगर आपका पैसा कट जाता है पासपोर्ट सर्विस में, 100 रुपए जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपका डिडक्ट हो जाता है और फिर से सेम पेज आ जाता है, और नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का, ये पासपोर्ट की जो फी है वो पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसका रेजोल्यूशन ये है कि आप हमेशा मोज़िला ब्राउजर ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के बाद यूज करें, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जितनी बार आपका 100 रुपए कटेगा और 1500 रुपए नहीं कटेगा, उतनी बार वो पैसा आपका रिफंड होता रहेगा, जब तक कि आपके पासपोर्ट की फीस ना कट जाए। पासपोर्ट की फीस एक बार कट जाती है तो फिर आपका वो 100 रुपीज रिफंड नहीं होगा। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या रिशेड्यूल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप रिशेड्यूल कर सकते हैं। 1 साल में 3 बार आप पासपोर्ट के फॉर्म को अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब कभी कभी आप लोगों को एक एरर आता होता है ऑथराइजेशन फील्ड, ये एरर इसलिए आता है, ये सिक्योरिटी रीजन से ये एरर आता है। जब लगातार आपका नेटवर्क आईपी चेंज होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज आपका नेटवर्क आईपी चेंज होता रहता है, या जियो के नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं या मल्टीपल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो अक्सर करके ये एरर ऑथराइजेशन फेल का एरर आता है। इस एरर के रिजोल्यूशन ये है कि आप सिंगल सिस्टम को यूज़ करें पासपोर्ट फॉर्म फिलिंग के लिए, और मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र ही यूज़ करें।